वंस अगेन वेलकम टू PMR स्मार्ट लर्निंग। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ब्रिज कोर्स यानी सेतु अभ्यासक्रम की जियोग्राफी की फाइनल टेस्ट यानी टेस्ट नंबर 3। पर वो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा स्टूडेंट्स। अगर आप बेल आइकॉन नहीं दबाएंगे तो आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी नहीं मिलेगी। बेल आइकॉन दबाइए और मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो मैं एकदम सीधा सीधा और एकदम शॉर्ट बना रहा हूँ, तो जल्दी से देख लेते हैं आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, योग्य पर्याय चुनकर विधान पूर्ण कीजिए। फर्स्ट है, वैश्विक संकेत के अनुसार पृथ्वी पर तारीख तथा वार में परिवर्तन किस देशांतर रेखा पर होता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, 0 degree, 90 degree पूर्व, 90 degree पश्चिम और 180 degree। तो इसका आंसर है फोर्थ ऑप्शन यानी कि 180 degree। सेकंड है, पृथ्वी पर दिवस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से कौन सी दिशा में शुरू होता है। तो इसमें भी हमें चार ऑप्शन है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो इसका आंसर है पश्चिम। थर्ड है, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग यह किसके प्रकार है। तो यहाँ पे ऑप्शन है संचार, संदेश वहन, यातायात और व्यापार। तो इसका आंसर होगा यातायात। फोर्थ है, भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद की जाती है। यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए गए, 5, 6 और 10। तो इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3, 10। पांचवा क्वेश्चन है, भ्रंश घाटी बनने के लिए भूपटल पर हलचलों की कौन सी क्रिया होनी चाहिए। तो इसका उत्तर है तनाव। अगर भूपटल पर तनाव होगा तभी भ्रंश घाटी तैयार होगी। यहाँ पे पहला क्वेश्चन समाप्त होता है और शुरू होता है दूसरा क्वेश्चन, जो है निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य यह बताइए। तो फर्स्ट है, भूपृष्ठ पर दरारें पड़ती है, तो यह कथन है सही। सेकंड है, ज्वालामुखी राख के कारण भूमि उपजाऊ बनती है, यह भी है सत्य। थर्ड है, पृथ्वी पर उपलब्ध होने वाले पेयजल का मुख्य स्रोत वर्षा है, इसका उत्तर भी है सत्य, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पीने का पानी हमें जो मिलता है वो बारिश से ही मिलता है, इसलिए समुद्र से तो हम पानी डायरेक्ट पी नहीं सकते। और फोर्थ है, जब वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है तब उसे अदृश्य व्यापार कहा जाता है, तो ये असत्य है, क्योंकि अगर हम वस्तु की लेन देन कर रहे हैं, मतलब वस्तु दिख रही है, तो वो अदृश्य व्यापार नहीं होगा, वो होगा दृश्य व्यापार। तो ये कथन मतलब असत्य है। आगे है, फिफ्थ, नगरीकरण के कारण प्राथमिक व्यवसायों में वृद्धि होती है, तो ये जो है ये कथन भी असत्य है। नगरीकरण के कारण द्वितीयक और तृतीयक व्यवसायों में वृद्धि होती है, ना कि प्राथमिक व्यवसाय में, इसलिए ये कथन भी असत्य है। आगे है, जोड़ियाँ मिलाओ। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, क्वेश्चन में बता नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन आपको भेज दिए होंगे स्कूल से, तो वहीं से आप लिख लीजिए, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। तो फर्स्ट में है तकनीकी विकास और प्रौद्योगिकी, तो इसकी जोड़ी होगी नगरीयकरण। सेकंड है, मूल निवास छोड़कर दूसरे स्थान पर स्थायी रूप में जाकर रहना, तो इसकी जोड़ी होगी स्थलांतरण। थर्ड हमें दिया गया है, 75% पुरुष कृषि पूरक व्यवसाय में संलग्न है, तो ये है इसकी जोड़ी है नगरीय प्रदेश। फोर्थ है, कूड़े की समस्या, तो इसकी जो जोड़ी है ये है नियोजन का अभाव, क्योंकि नियोजन नहीं करेंगे तो कूड़े की समस्या तो होगी। आगे है फोर्थ क्वेश्चन, भौगोलिक कारण दीजिए, नगरीयकरण में प्रदूषण या गंभीर समस्या निर्माण हुई है, तो इसका उत्तर है शहरों में प्रदूषण एक जटिल समस्या बन गई है, इसका नगरीय जीवन पर विपरीत परिणाम होता हुआ दिखाई देता है, इसमें वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण दिखाई देता है, नगरों का बढ़ता विकास, सुविधाओं का अभाव, उसी प्रकार नियमों का उल्लंघन, इससे प्रदूषण यह एक गंभीर समस्या निर्माण हुई है, जिस प्रकार नगरों में वृद्धि हो रही है उसी प्रकार प्रदूषण में भी वृद्धि हो रही है। तो ये इसका आंसर है फर्स्ट का। और सेकंड में है, विषुववृत्तीय प्रदेशों में आरोही वर्षा होती है, तो इसका उत्तर भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं रीड करता हूँ। विषुववृत्तीय प्रदेशों में सूर्य की ऊष्मा के कारण भूपटल का तापमान बढ़ता है, मतलब ज़मीन के सरफेस का तापमान बढ़ता है, और समीप वाली हवा गर्म होती है, हवा गर्म होने से प्रसरण होकर वह ऊँचाई पर जाने लगती है, ऊँचाई पर जाकर यह हवा ठंडी हो जाती है,
ठंडी हवा की बाष्प धारण क्षमता कम होती है, इसलिए हवा में स्थित बाष्प का सघनीभवन होकर जल कण तैयार होते हैं और उससे वर्षा होती है। विषुववृत्तीय प्रदेशों में ऐसी वर्षा सामान्यतः दोपहर के बाद ही होती है। आगे के क्वेश्चन में हमें भारत के मानचित्र में निम्नलिखित घटक दर्शाकर मानचित्र पूर्ण करना है, जिसमें हमें दर्शाना है कर्क रेखा, अरावली पर्वत, लक्षद्वीप और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र तो सबको ही पता है, पर अरावली पर्वत, कर्क रेखा और लक्षद्वीप आपको भी दर्शाना है इसमें। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार रहेगा, मैंने यहाँ पे आपको एक फोटो दिखा रहा हूँ मानचित्र का। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा ये जो एरिया मैंने कवर करके रखा है, वहाँ पे है अरावली पर्वत और नीचे आपको लक्षद्वीप दिख रहा होगा, ये जो छोटे छोटे डॉट्स है ये लक्षद्वीप है। और राइट साइड में मिडल में मैंने यहाँ पे कर्क रेखा लिखा हुआ है और बीच में ऐसी लाइन खींची है, तो वो जो लाइन है वो है कर्क रेखा और मैप के मिडल में यहाँ पे है महाराष्ट्र। तो आपको इस प्रकार ये यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाना है। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा यहीं पे पूरा होता है। अब बढ़ते सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ, पर उससे पहले अगर दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। अब तो सिक्स्थ क्वेश्चन में निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन थे, उनमें से किसी एक का लिखना था तो मैंने सेकंड वाले का बताया। सेकंड वाला है नगरीयकरण के लाभ। तो नगरीयकरण के निम्न लाभ है, फर्स्ट सामाजिक एकता, सेकंड आधुनिकीकरण, थर्ड सुख सुविधाएं। फर्स्ट पॉइंट है सामाजिक एकता में नगरीयकरण के कारण द्वितीयक, तृतीयक तथा चतुर्थक श्रेणी के व्यवसाय में वृद्धि होती है। इस क्षेत्र का विकास तीव्र गति से होता है। विविध प्रदेशों में आने वाले लोगों को एकत्रित रहने से शहरीकरण में सांस्कृतिक और सामाजिक रूढ़ी परंपराओं का आदान प्रदान होता है, इससे सामाजिक एकता निर्माण होती है। सेकंड पॉइंट है आधुनिकीकरण का। आधुनिकीकरण में है विविध प्रदेशों से लोगों का स्थलांतरण होता रहता है, ऐसे लोगों में ज्ञान कौशल तथा जानकारी का आदान प्रदान सुलभता से होता है। नवीनतम सूचना और जानकारी तथा सामग्री, इनका लाभ सर्वप्रथम ऐसे प्रदेशों में होता है। उद्योग और व्यवसाय से संबंधित अनेक नए प्रकल्प इन प्रदेशों में विकसित होते दिखाई देते हैं। नगरीय वस्तुओं में नई कल्पनाएं, नवीनतम जानकारी और तकनीकी सुख सुविधाओं का लाभ प्रथम मिलता है। परिणामतः यहाँ रहन सहन का स्तर ऊँचा हो जाता है। और थर्ड पॉइंट में है सुख सुविधाएं। तो इसमें नगरीकरण के कारण नगरीय बस्तियों में अनेक सुख सुविधाएं विकसित होती है। यातायात, संदेश वहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, अग्निशमन आदि सुविधाएं महत्वपूर्ण हैं। इसी क्वेश्चन में आगे है उच्च स्तर की परिवहन सुविधाओं के कारण यात्रा के सुचारूपन में वृद्धि होती है। इसका अच्छा परिणाम वस्तु, यातायात, बाजार, केंद्र, व्यापार आदि पर पड़ता है। शिक्षा की सुविधाएं नगरीय क्षेत्रों में अधिक विकास हुई पाई जाती है। विशेष रूप में उच्च शिक्षा के लिए अन्य स्थानों से विद्यार्थी नगरीय क्षेत्रों में आते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं भी नगरीय भागों में अच्छी तरह विकसित हुई पाई जाती है। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये आंसर तो बहुत बड़ा था, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन मतलब थोड़ा इजी है, तो देखते हैं आगे। आगे हैं निम्नलिखित सांख्यिक जानकारी के आधार पर जोड़ स्तंभ लेख तैयार कीजिए, यानी हमें बनानी है एक जॉइंट बार डायग्राम। तो यहाँ पे दिया गया है जानकारी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों के आयात व निर्यात मूल्य डॉलर में। तो ये $100,000 है, मतलब $100,000 में क्वांटिटी दी गई है। इसमें हमें देश का कॉलम दिया गया है, देश में है चीन, भारत, ब्राज़ील। चीन का निर्यात है 2143, आयात है 1960, भारत का है 272 और आयात है 380, ब्राज़ील का निर्यात है 190 और आयात है 241। तो इस पे बनानी है हमें एक जॉइंट बार डायग्राम। तो ये बार डायग्राम कुछ इस प्रकार तैयार होगी हमारी। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने स्केल ली है पर 1 सेंटीमीटर 200 और यहाँ पे भारत, ब्राज़ील और चीन तीनों को दर्शाया गया है।
इस प्रकार आपको जॉइंट बार डायग्राम यहाँ पे बनानी है। स्टूडेंट्स, हमारी वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।